80 के दशक का सबसे मशहूर टीवी शो रामायण को फिर से टीवी पर टेलीकास्ट किया गया है। लोग इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम रामायण में काम करने वाले कलाकारों को उस जमानों में कितनी सैलरी मिली थी इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएँ और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ आप रोज़ाना देख सकेंगे। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है और 1987 और 88 में रामानंद सागर ने इसे पर्दे पर उतार दिया था। यह शो बहुत सफल साबित हुआ। इसमें हर कलाकार ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। रामायण की शूटिंग गुजरात में हुई थी और इस रामायण के कुल 78 एपिसोड्स बनाए गए थे। एक एपिसोड को बनाने के लिए लगभग 9 लाख रुपए खर्च आता था और एक एपिसोड से लगभग 40 लाख रुपए कमाई हुआ करती थी और पूरे रामायण की कुल कमाई 35 से 40 करोड़ रुपए हुई थी। तो चलिए जान लेते हैं कि कलाकारों को कितनी सैलरी मिली थी। प्रभु श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी का किरदार निभाया था बाल धुरी जी ने और उनको इस शो में काम करने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए पेमेंट मिला था। इस शो में रावण के पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाया था विजय अरोरा जी ने और उनको इस शो में काम करने के लिए लगभग 4 लाख रुपए पेमेंट मिला था। रामायण में अंगद का किरदार बशीर खान जी ने निभाया था और उनको इस शो में काम करने के लिए लगभग 7 लाख रुपए फीस मिली थी। इस शो में सुग्रीव का किरदार निभाया था श्याम सुंदर जी ने और उनको इस शो में काम करने के लिए लगभग 11 लाख रुपए मिले थे। रामायण शो में श्री लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था सुनील लहरी जी ने और उनको इस शो में काम करने के लिए लगभग 18 लाख रुपए सैलरी मिली थी। इस शो में सीता जी का किरदार निभाया था दीपिका सिकलिया जी ने और उनको इस शो में लगभग 20 लाख रुपए पेमेंट मिला था। इस शो में रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने और उनको इस शो में काम करने के लिए लगभग 30 लाख रुपए पेमेंट मिला था। वही हनुमान जी का किरदार निभाया था दारा सिंह जी ने और उनको लगभग 35 लाख रुपए सैलरी मिली थी। वही प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाया था अरुण गोविल जी ने और उनके इस शो में लगभग 40 लाख रुपए पेमेंट मिला था। इस शो में सबसे ज्यादा सैलरी श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को मिला था। रामायण में काम करने वाले बाकी कलाकार जैसे भरत, सुमित्रा, के विभीषण, इनको लगभग 1 से 5 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिली थी। शायद ये सभी पेमेंट्स आपको कम लगते होंगे लेकिन उस जमानों में ये रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय।